आज मैं ये बेबी शूज़ बना रही हूँ। ये 6 मंथ से लेकर 1 ईयर्स तक है। और ये देखिए, इसमें मैंने ये रिबन डाला है और इसमें मैंने डोरी बना के बताई है। और मैं आपको ये 2 कलर्स में बना के बताती हूँ। ये मैंने 2 प्लाई की ऊन ली है और 250 mm का मेरा क्रोशिया है। और ये बची हुई ऊनों से भी बड़े अच्छी तरह से बन जाता है और इसको बिगनर्स भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। और मेरा मिशन यही है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊं और समझाऊं, जो आपको अच्छी तरह से समझ आए और आप बना सकें, ठीक है। और मैं आपको ये बनाना बताती हूँ कि ऐसे करके आप ऐसे करके भी मैजिक रिंग बना सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे हम ऐसे लेते हैं ऐसे करके, और ऐसे नहीं भी समझ में आता किसी को तो ऐसे लेके आप ऐसे रिंग्स ही बना लें और ऐसे करके ऐसे लेके इसको ऐसे ले लें। और इसमें 1 चैन लेंगे ऐसे, और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अगर आपने 0 से 6 मंथ के अंदर बनाना है तो आप 12 बनाइए। और ये मैंने 6 मंथ से 1 ईयर्स के लिए बनाया है तो मैंने इसमें 13 स्टिच बनाए हैं, यानी कि 13 स्टिच बनाए हैं। 1, 2, 3, 4, ये हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे इसको खींच लेंगे। 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 हो गए। और इसको हम ऐसे ही खींच लेंगे और देखिए ये आराम से बंद हो जाता है। और ये जो ये हमारा ऊपर का ये चैन है फर्स्ट वाली, इसी से हम इसको स्किप करेंगे, ऐसे बंद कर देंगे, हो गया। और ये वाला दूसरा हम लाइन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इसको ऐसे बुन लेंगे, ऐसे ऐसे पक्का कर लिया। और इस स्टिच को हम ऐसे निकालेंगे और इसको ऐसे खींच लिया धागा। और इसमें हम क्या करेंगे, ये 13 हमारे स्टिच हैं तो इसको हम एक स्टिच में डबल करते चले जाएंगे, यानी कि 13 से हमारे 26 बन जाएंगे। एक स्टिच में हम इसको डबल करेंगे, ऐसे लेंगे, 1 स्टिच लेंगे, फिर 2 स्टिच लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी हम डबल या हाफ डबल क्रोशिया 2 स्टिच बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए ऐसे 13 के हमारे 26 हो जाएंगे। और इसके बाद जो थर्ड रो होगा उसमें हमने कोई स्टिच नहीं बढ़ाना है, ऐसे ही हम कंटिन्यू बनाएंगे। इसके 8 रो बनेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप 12 स्टिच लेते हैं न्यू बॉर्न बेबी का बनाते हैं, 6 मंथ तक के लिए बनाते हैं, तो आप 7 रो बनाइए। 12 स्टिच लेके 7 रो बनाइए, इसमें मैं 8 रो बनाऊंगी। और मैं आपको ये सेकंड थ्रेड लगा के, यानी कि बुलन लगा के बताऊंगी। और ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया हम बुनते चले जाएंगे। ऐसे देखिए, ऐसे हम आ गए। और जो ये हमने 1 स्टिच लिया था, इसमें ये जो आपको ये चैन नज़र आ रही है, इसी चैन में हम ऐसे स्किप करेंगे। ये देखिए मेरा सेकंड रो बन गया। और ऐसे ही आप सफाई से बनाइए और बहुत सुंदर बनेगा। और आप बना पाएंगी ऐसे, इसको
यहाँ वाइट वाले को ऐसे खींच के आप इधर भी वन स्टिच लेंगे, वन चैन बनाएंगे और सब पे हम क्या करेंगे वन वन सब में, यानी कि कंटिन्यू 26 बनाते चले जाएंगे। इसमें 26 बनाएंगे और आप ऐसे बना पाएंगे। ऐसे बना के आप इसके एक रो ये बनाइए, एक रो ये बनाइए और ऐसे ही आप 18 रो बनाइए और वाइट तक आ जाएगा, हाफ वाइट तक 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हाफ वाइट तक आएगा। फिर हम मैं आपको अगला रो फिर बनाना बताऊंगी। ऐसे ही आप 8 रो बनाइए, 8 रो बन के तैयार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गया। और आगे हम इसका ये आगे से इतना छोड़ के तो हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये ऐसे हाफ डबल क्रोशिया लिया, 1 2 3 4 5, इसको क्या करेंगे, अब हमने एक एक लाइन से बनाना है। और जैसे ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने ये स्टिच बनाया और क्या करेंगे, ये जो वाइट वाला धागा है इसको साथ साथ लेके चलेंगे। अगर हम 2 रो बनाते हैं तो इधर आने की इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 1 1 रो बनाएंगे तो फिर इधर वाइट से फिर शुरू होगा, तो फिर धागा कैसे लेंगे, आपको तोड़ के लगाना पड़ेगा। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, ऐसे आपको किसी ने समझाया भी नहीं होगा। और ये मैं आपको बताती हूँ कि धागा का हम कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट रो बनाया स्टिच और इसको भी साथ में वाइट धागा भी साथ लेके चलेंगे, और ठीक है ऐसे 2 ऐसे 2 3, देखिए ऐसे वाइट धागा भी साथ साथ चलना है, 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और ये हो गया 21। और जो ये हमारे 5 स्टिच हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हम छोड़ के क्या करेंगे, देखो वाइट धागा हम लेके आ गए ना, अब नहीं तो आपको तोड़ के लगाना पड़ता। और आप देखिए बिल्कुल अंदर से भी कहीं से भी आपको बिल्कुल वैसा एज इट इज़ ऐसा ही मिलेगा जैसे अंदर बाहर है। और आप क्या करेंगे, इसको ऐसे वाइट धागे को ऐसे लेंगे और एक स्टिच बनाएंगे ऐसे करके, जो ये धागा है हम इसको साथ में, ये बुलन यहाँ साथ चलेगी एक चैन लेके, और इसको क्या करेंगे ऐसे ही ऐसे बुनेंगे, ठीक है ऐसे, क्योंकि बार बार तोड़ना आपको करना मुश्किल होगा। और आप इस तरीके से बनाएं तो ऐसे बहुत अच्छा बनेगा। ऐसे ही आप बनाते हुए और ये वाला ये बुल यहाँ लेके आएंगे, और ऐसे ही हम 8 रो बनाएंगे। अब यहाँ तक लाएंगे, ऐसे ही बुल आएगी और फिर यहाँ से आप यही वाला ये शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप 8 रो बनाइए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। 8 रो ये बन गए और 8 रो मेरे ऊपर बन गए। और जैसे मैंने आपको धागा इधर से उधर लेके जाना बताया, देखिए नीचे से कितना अच्छा आता है ना, नहीं कहीं तोड़ना है नहीं कुछ करना है, तो आप इस तरीके से बनाइए और बहुत अच्छा बनेगा ये साफ। इसको हम क्या करेंगे, जैसे ये है इसको ऐसे पलट के हम इसको इसकी स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से लेंगे इसको ऐसे इधर से ऐसे निकालेंगे, ऐसे लिया और इसको एक चैन लेके पक्का किया, इधर से लिया और एक स्टिच इधर से लिया, ऐसे इसको ऐसे स्किप करते जाएंगे,
एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, ऐसे स्किप करेंगे, ऐसे इधर से ऐसे स्किप करेंगे, धीरे धीरे बनाइए, पर अच्छा बनाइए, साफ बनाइए, बहुत सुंदर बनता है और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छा बनाएंगी। ऐसे इसको हम काट देंगे और इसको अंदर ही ऐसे हम ऐसे बंद कर देंगे अंदर। सफाई से आप जो दिखाई भी ना दे कि कैसे हमने इसको धागा लिया है, कैसे इसको वूलन को हम अंदर बंद कर रहे हैं। अगर आपको क्रोशे से नहीं होता है तो आप नीडल से भी कर सकते हैं। ऐसे ये देखिए, बिल्कुल ये ऐसे बन गया। ये देखिए इसकी स्टिचिंग कितनी अच्छी आ गई, ऐसे आना चाहिए। और ये बन गया और मैं आपको यहाँ पर मैंने ये वाला वुलन लगाई है, इसमें मैंने 2 स्टिच बनाए हैं। तो हमने यहाँ पर 8 रो बनाए थे। तो आप क्या करेंगे, जो सिंगल क्रोशिया बुनेंगे यहाँ से लेकर आप 16 स्टिच बनाएंगी और 5 स्टिच जो हमारे हैं एज इट इज ऐसे बुन लेंगी जो हमने छोड़े थे, और 16 इधर बनाएंगी। 16 और 16 32 और 5 37 स्टिच हो जाएंगे। 36-37 स्टिच में ये ऊपर का बहुत अच्छा बन जाएगा, इससे ज़्यादा आप मत रखिएगा। 35 हो जाएँ, 36-37 ऐसे। तो आप यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे और ऐसे ही आप अपने अंदाजे से 35-36 स्टिच आप बना लीजिए। ऐसे लिए इसको, ऐसे लिए और ये थ्रेड को ऐसे ही बुन लेंगे साथ में, ऐसे धागे को ऐसे बुन लेंगे और ऐसे ऐसे एक जैसे एक है इसमें दो दो डालते जाएंगे तो अपने आप ही हमारे 16 स्टिच आ जाएंगे, क्योंकि ये रो हमारे 8 रो बने हैं तो 8 के हम 16 स्टिच आराम से कर लेंगे। आप अपने अंदाजे से ऐसे बनाइए और ऐसे 2 रो बना के ऐसे ही आप बनाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जाली ऊपर कैसे बनाएंगे। ऐसे ही बना के आप पूरा ऐसे लेके आ जाइए। 2 रो बनाए हैं और मेरे कितने स्टिच आए हैं, 36, और इसमें 36 आ जाएं, 35 आ जाएं तो आप अपने हिसाब से ही बस इतना ही बना लिए, 37 से ऊपर मत बनाइएगा। मेरे 36 स्टिच हैं तो हम यह क्या करूँगी, 1 2 3 4 ये हम इसकी जाली बनाएंगे, तो इसमें फिर डोरी बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एक एक वो लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक 1 स्किप करके सेकंड में डालेंगे ऐसे, और ऐसे हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएंगे और एक हमारा बीच में आ जाएगा। तो 4 स्टिच, 4 चैन की बनाई है, एक स्टिच लेंगे, एक चैन लेंगे, एक कुछ स्किप करके सेकंड वाले में डालेंगे, ऐसे हमारी जाली बनती चली जाएगी। ऐसे एक चैन लेंगे, एक छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, नेक्स्ट में ऐसे ही डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक चैन लेंगे, एक स्किप करेंगे सेकंड वाले में, ऐसे ही हमारी जाली बनती चली जाएगी। और ऐसे ही स्किप करते हुए एक नीचे से एक छोड़ते हुए एक ऊपर से चैन लेते हुए ऐसे ही हम बुन लेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसमें ऊपर 2 रो ए वाले डबल सिंगल स्टिच के बनेंगे और फिर ऊपर किंगरी होगी। तो ऐसे ही जाली बना के ऐसे ही आप बनाइए और फिर मैं आपको बताती हूँ करके। ये हमारा एक चैन यहाँ से छूटी है और यहाँ से ऊपर एक से छोड़ेंगे, ऐसे एक चैन इधर ले ली, ये ऐसे स्किप कर देंगे। ये देखो बिल्कुल ऐसे बराबर आ जाएगा, ये जो हमने 4 चैनें ली थी 3 इधर हो गई, एक इधर छूट गया, ऐसे ही हमारी ये जाली बन गई। और ऊपर से क्या करेंगे, एक चैन लेंगे और एक एक इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसमें बनाएंगे
ये आती दफ़ा इधर पक्का कर लेंगे। एक एक सिंगल यहाँ हो गया, एक इसके अंदर हो गया जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था। ऐसे करते हुए हम दो रो बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ही आप डबल क्रो ऐसे बना के दो रो बना के फिर मैं आपको डोरी और ऊपर की किंगरी बनानी बताऊंगी। जाली बनी, फिर दो रो ऊपर बने सिंगल स्टिच के, और ये मैं आपको ये बनाना बताती हूँ किंगरी जैसे करते हैं। तो हर स्टिच में हम लेते चले जाएंगे। ये जैसे लेंगे इसको यहाँ पर डालेंगे और इसको ऐसे ले के आएंगे, ये हो गया, इसको हम ऐसे ले लेंगे, डालेंगे ऐसे। हम उधर से उस साइड से बुनते हैं, ये यहाँ से नेक्स्ट स्टिच से लेके ऐसे बनाएंगे, ऐसे लेंगे ऐसे। हर स्टिच में आप ऐसे करते जाइएगा। तो ये जो ऊपर की ये जो किंगरी सी बनती है बहुत सुंदर बनेगी। आप ऐसे करके आप ऐसे बनाइए, ऐसे हर स्टिच में ऐसे करके जो लास्ट है हम कैसे करेंगे, लास्ट में ऐसे लेके इसको ऐसे बुनेंगे और एक चैन लेके इसको ऐसे कर देंगे और फिर इसी को ही नीचे से लेके ऐसे कर देंगे। ऐसे ऐसे आ जाएगा और इसको हम पीछे से ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे हमारा बन जाएगा और ये ऐसे ही धागा अंदर करके ये ऐसे, और मैं आपको कैसे करेंगे ऐसे लेके ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, एक चैन लेंगे और इसको ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया बुन लेंगे। आप ये देख लीजिए आपको कैसा बनाना है। ये डोरी मैंने ऐसे बनाई है, ऐसे इसमें मैंने बीट्स लगाए हैं। आप कुछ भी किसी तरह बना सकती हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 और ये 15, और ऐसे ही इसको करके ऐसे स्किप कर देंगे, ऐसे हम ऐसे बना रहे, ठीक है। और इसको हम कैसे बनाएंगे, डोरी कैसे बनाएंगे। डोरी मैंने 15 इंची बनाई है, आप अपने हिसाब से देखिए ऐसे ही बन के इतना आएगा। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो, और मैंने जैसे इसमें मैंने रिबन डाला है, आप रिबन भी डाल सकती हैं, कुछ भी ऐसे सजा सकते हैं जैसे भी। ऐसे एक चैन लेके इसको धागे को ऐसे करके इसमें ऐसे लेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, ये दो हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर लेंगे और ऐसे ऐसे बुनेंगे। ये क्रोशिया ऊपर ही रखेंगे, ऐसे वूलन को इसके ऊपर डालेंगे और जो ये दूसरे वाला है इसको ऐसे ही बुनेंगे। ऐसे इसके क्रोशिया के ऊपर डालते हुए ऐसे हम डोरी बनाते हुए ऐसे जाएंगे। ऐसे हमारी डबल, ये देखिए
इसमें टू टू चैन ऐसे आ जाएंगी, कितनी सुंदर बन जाएगी। ऐसे कर करते हुए हम 15 इंची डोरी बनाएंगे और फिर आप इसको कैसे भी सजा सकते हैं, आप बीट्स लगाइए, कुछ भी लगाइए। और ये मैंने ऐसे ही वैलिड बनाई है, अभी नेक्स्ट डाली है वीडियो, ये मैंने बना के बताया हुआ है। अगर आपको ये इसे बनाना पूछना होगा तो आप मुझे बताइए, मैं आपको अपने वो डाल दूँगी। ऐसे करते हुए अब बनाइए और 15 इंची बना के फिर आप इसके अंदर और दूसरी साइड में भी ऐसे ही रिंग बना दे के और आप मोती लगाइए, कुछ भी लगाइए, ऐसे ही सजा के फिर ऐसे करें। मेरी ये बनके तैयार हैं, ये हमने शूज़ बनाए हैं, बनके तैयार हैं। और मैंने आपको डोरी बनानी बताई, इसको 15 इंची का बनाएंगे। और मैंने ये देखिए ये रिंग बना के इसमें बीट्स लगाए हैं और आप ये किंग रिबन करके दिखाई है। और आप इसको सजाइए कैसे भी आप बना के बना सकती हैं। इसको मैंने अभी वीडियो जो डाला है वो उसको मैंने वैली टाइप का बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाया है। अगर आपको वो देखना है तो सुनीता क्रोशिया आर्ट पे आप देखिए और इसको बनाइए, आप बहुत अच्छी तरह से बना पाएंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।